शिवसेना जिला अध्यक्ष राजेश वानखड़े आज 5000 से अधिक शिव सैनिकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। अमरावती में एक तरह से पूरी शिवसेना बीजेपी में शामिल हो गई है, ऐसी तस्वीर आप विधानसभा चुनाव तक देख सकेंगे। साथ ही उद्धव ठाकरे के पास 2024 तक कुछ ही लोग बचे होंगे, ऐसी भविष्यवाणी ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शिव सैनिकों के पक्ष प्रवेश के दौरान की है। शिवसेना के जिला अध्यक्ष राजेश वानखेड़े ने आज हजारों शिवसैनिकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। शिवसेना के अमरावती उप जिला प्रमुख प्रदीप गौरखेड़े, प्रदीप तेलखेड़े और संजय देशमुख भाजपा में शामिल हो गए हैं। राजेश वानखेड़े समेत 5000 शिवसैनिकों और 20 अहम पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए हैं। वानखेड़े के प्रवेश के बाद बीजेपी ने उन्हें तुरंत बीजेपी के अमरावती लोकसभा क्षेत्र का संयोजक नियुक्त करने का फैसला किया है। इस दौरान बावनकुले बोले, अमरावती जिले में राजेश वानखेड़े के नेतृत्व वाली पूरी शिवसेना भाजपा में शामिल हुई है। राजेश वानखेड़े का परिचय देते हुए कहा, राजेश वानखेड़े ने कई आंदोलन किए हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्हें 66,000 वोट मिले थे। बावनकुले ने कहा कि उनके प्रवेश से भाजपा को मजबूती मिलेगी। माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित भाई ने जो धोखा दिला, त्याचा बदला हा जनता ही 2024 मध्ये मतदानात घेईल असं मला वाटतं। आज राजेश वानखेड़े आणि सोळंकी या दोघांचा प्रवेश म्हणजे भारतीय जनता पक्षावर प्रचंड मोठा विश्वास या कार्यकर्त्यांनी दाखवला। मी राज्याचा अध्यक्ष म्हणून त्यांचं स्वागत करतो, अभिनंदन करतो आणि आश्वस्त करतो की राजेश जी आणि नितीन गुडदे पाटील आणि पूर्ण टीम यांना भारतीय जनता पार्टी सन्मानाने आणि त्यांना समाजाच्या शेवटच्या व्यक्तीचा विकासात्मक काम करण्याकरता अमरावती लोकसभा, अमरावती विधानसभेमध्ये आणि संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये त्या जिल्ह्याचं डेव्हलपमेंट करण्याकरता आमचं सरकार त्यांना पूर्ण मदत करेल। राजेशजी पुन्हा एकदा चांगला जिल्हा घडवेल, विकासाचे कामं करतील, त्या भागातल्या जनतेला न्याय देतील। आज त्यांना अमरावती जिल्ह्यामध्ये लोकसभा संयोजक म्हणून या पदावर आम्ही त्यांना नियुक्त करतो आहे आणि लोकसभा संयोजक म्हणून ते या ठिकाणी काम करणार आहेत। सोबतच नितीन गुडदे पाटील यांना शहरावर उपाध्यक्ष म्हणून आम्ही नेमणूक करतो आहे। सर्वच पदाधिकाऱ्यांना राजेश जी आता नेमणुका करतील, कारण राजेश जी आता लोकसभा संयोजक झाल्यामुळं त्यांना आणि तिथल्या जिल्हाध्यक्षांना संपूर्ण अधिकार राहणार आहे आणि त्यामुळं त्यांच्या एक चांगला कार्यकर्ता जो पुढच्या काळामध्ये तिवसा विधानसभेमध्ये 66,000 वर मत घेऊन घेतलेला कार्यकर्ता भारतीय जनता पक्षामध्ये आला आहे। पुन्हा एकदा मी पक्षाकडनं त्यांचं स्वागत करतो, त्यांचं अभिनंदन करतो। साथ ही इस दौरान बावनकुले बोले, हमारे कार्यकर्ताओं में किसी भी तरह की नाराजगी नहीं है, हमारे पास आने वाले कार्यकर्ता देश के लिए आते हैं, पद के लिए नहीं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।